सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बलात्कारी बाबा के गुंडों की गुंडागर्दी देखी आपने। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता पंचकुला से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जगविंदर, अभी पंचकुला में क्या हालात हैं? देखिए, 30 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है कि फायरिंग में और जो ये हिंसा हुई है इसमें 30 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 250 से 300 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो एक चित्रा हम मोटा सा आंकड़ा ये दे देते हैं कि जो जाट आंदोलन हुआ था उसके दौरान भी 30 लोगों की मौत हुई थी। तो आज ये जो 2 घंटे का उपद्रव था इस दौरान आप देख सकते हैं कि गोली से और जो पूरा ये पूरा घटनाक्रम था उसमें 30 लोगों की जान चली गई है। अब जो सवाल आप सरकार से पूछ रहे थे वही हम भी पूछते हैं कि इन 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। और अगर हाईकोर्ट ने कहा था कि आप धारा 144 लगे होने के बावजूद पंचकुला को रातों रात खाली करवाइए तो केवल पुलिस ने और सरकार ने अनाउंसमेंट करवाकर ही अपनी ड्यूटी खत्म क्यों कर दी? सेना को पहले काम क्यों नहीं सौंपा गया कि लोगों को निकाले? बिल्कुल सही कहा जगविंदर आपने। जल्दी से जानकारी आपसे चाहूंगी कि क्या पंचकुला में फिलहाल हालात काबू में है? फिलहाल हालात काबू में है। मुख्यमंत्री 2 दिन बाद खुद आए थे और मुख्यमंत्री ने जहां जहां नुकसान हुआ था उन्होंने एक मोटा मोटी नजर मारकर उसको वो चले गए हैं और लेकिन बहुत कुछ ज्यादा बताने को उनके पास था नहीं। केवल उन्होंने ये कहा है कि कुछ जो भी ये हिंसा हुई है उसमें जो भी वो पूरे मामले को देख रहे हैं करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इतनी बड़ी हिंसा के बाद ये एक बहुत छोटा जवाब था। पंजाब में भी कुछ जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है और पंजाब पुलिस ने अब तक बठिंडा और उसके आसपास के जिलों में 47 लोगों को हिरासत में लिया है। शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हालात पंचकुला में काबू में है। ये है एबीपी न्यूज। आपको रखे राम रहीम को आज जैसे ही दोषी करार दिया गया राम रहीम के गुंडे देश के दुश्मन बन गए। बाबा राम रहीम रेप केस में दोषी करार दिए गए और सजा पर फैसला अब 28 अगस्त मतलब सोमवार को आना है। पंचकुला कोर्ट के इस फैसले के बाद भारी हिंसा पर उतारू हो गए राम रहीम के गुंडे। हरियाणा हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो अस्पतालों में भर्ती है। सिरसा में भीड़ ने मिल्क प्लांट को आग के हवाले कर दिया। न सिर्फ सिरसा बल्कि हरियाणा के कई शहर जहां आगजनी की घटनाएं हुई हैं, पंजाब के बठिंडा मानसा मलोट स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया, यहां आगजनी की गई है। दिल्ली और गाजियाबाद में 2 बसों में आग लगा दी गई और दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में भी आग लगा दी गई है। वहीं संगरूर बरनाला में बिजली घर को फूंक दिया गया। तो पंजाब में किस तरीके से ये आग फैली हिंसा की वो भी हम आपको बता रहे हैं। मोहाली के सोहाना में तोड़फोड़ की राम रहीम के इन गुंडों ने। मानसा में इनकम टैक्स का दफ्तर उसे निशाना बनाया गया, बिजली घर मानसा का उसे आग के हवाले कर दिया गया। पंजाब के 5 शहर फिलहाल जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, पंचकुला में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली और गाजियाबाद साथ ही नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजियाबाद में कल सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में 11 जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिसे देखते हुए अब दिल्ली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में हिंसा के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का लोनी जहां पर बस को आग के हवाले किया गया और कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में यह हिंसा ना फैल जाए इसी को देखते हुए हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, जो शामली का इलाका है, वहां भी धारा 144 लागू कर दी गई है। मतलब ये एहतियाती कदम जो अब भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि तनाव इन इलाकों में अभी भी पसरा हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़। आपको रखे आगे।